हाय गाइस, आप सभी को और एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। तो गाइस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को देख के मालूम हो रहा है कि मैं किधर पे आई हूँ। मैं थोड़ा घूमने के लिए नहीं, मैं आज उत्सव में आई हूँ। तो मैं तो बेंगोली हूँ, तो हम लोग बेंगोली का बहुत सारा उत्सव होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसमें से ये भी एक है। तो मैंने सुना है कि ये तीन हाथ का मेला है, हम लोग इसको बेंगोली में तीन हाथ का मेला बोलती हूँ। मतलब कि ये बस तीन हाथ में ही होता है। तो मैं तब से मुझे तीन हाथ का मेला क्या है, मैं तो बस ये सोच रहा था तीन हाथ कितना सा जगह है, कितना सा जगह, इसमें से कैसे तीन हाथ का मेला हो जाएगा, मैं बस यही सोच रहा था। तो मैं फिर सोचा कि मैं इतना नहीं सोचूंगी, सीधा जाके देखूंगी। लेकिन किस्मत देखो, मेरा बारिश हो रहा था, तो बारिश मैं पहले सोचा कि मैं नहीं आऊंगी, मेरा घर से ही बारिश शुरू हो गया था। मेरा घर से फिर मैं मौसी का घर पे आया हूँ, तो ऐसे बारिश में मैं मेरा मौसी का घर पे आ गई हूँ। फिर भाई को बोला कि चल, बारिश हुआ तो क्या हुआ, छाता तो है ना, छाता को लेके हम लोग घूम के आ जाऊंगी, ऐसा बोल के भाई को लेके सीधा आ गई हूँ। आके फिर पहले जो हम लोगों का जो मंदिर है, राधा कृष्णों का मंदिर, पहले इसमें आया हूँ, उसको देख रहा था। फिर शनिदेव के पास चला गया। फिर थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, और बोलती हूँ और मेरे भाई को भूख लग गया था। तो भाई बोला चल हम लोग थोड़ा सा टिफिन खा के आती हूँ। तो मैं भी और मना नहीं किया हूँ, तो चल भाई खाती हूँ। लेकिन खाने का बारी आया तो तब कब से बैठा था, बस बैठा था कि कब खाना आएगा, तू कब आएगा, तो कब जाके मैं खाऊंगी। मैं मेरे भाई को बोल रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, बस ये सोच रहा था। लेकिन सोचते सोचते तो मेरा सोच भी सोचने लगा, क्या सोच रहा है रे तू। लेकिन खाना अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी इंतज़ार करते करते फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया था, और ऊपर से खाना भी आ गया है। तो मैं खाती हूँ टाटा, और मैं खा के फिर आ गई हूँ जिधर पे तीन हाथ का मेला बोलता था कि उधर पे मैं सीधा आ गई हूँ। उधर पे आके देख रहा था, नाम कीर्तन हो रहा था, तो बहुत सारा लोग इधर पे बैठ के सुन रहा था, और कोई घूम भी रहा था। तो पहले आप लोग नाम कीर्तन सुनो। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करना, क्योंकि मेरा नया चैनल है। प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करना, थोड़ा सा सपोर्ट करने से क्या हो जाएगा आप लोग को। बहुत कीर्तन सुन लिया है, और भाई देखो भाई का और मैं बोलूँगी, और ये भी मेरा भाई है, हम तीनों आया था एक साथ घूमने के लिए। और देखो बारिश में सीधा उसका गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए चला गया। तो गर्लफ्रेंड को छोड़ के फिर बहन को देखने के लिए आया है, तो फिर चला गया है मुझे पूछ के मैं ठीक हूँ कि नहीं, मुझे कुछ ज़रूरत है कि नहीं, ये पूछ के तुरंत चला गया। तो मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि मैं भी थोड़ा कुछ ले लूँ, तो पहले देखती हूँ पहले क्या क्या है। तो यही सोच के सीधा चला गया। पहले आते हैं ये बेड कवर, बेड शीट, चश्मा चाहिए, चश्मा ले लो। तो मैं देख रहा था, मैं बहुत बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि कुछ तो पसंद आएगा, लेकिन एक भी मुझे पसंद नहीं आया। और फिर आ गया हम लोगों का जो क्या बोलूँगी, और बस मैं तो यही सोच रहा था मैं कब लूँगी क्या लूँगी। लेकिन गाइस इतना भीड़ था ना, कैसे जाऊँगी, मैं ये भी सोच रहा था। जो अच्छा लगेगा उसमें तो नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जाके बैठ गया है, कोई देख रहा था। तो मैं बस थोड़ा ऐसे ही पहले घूम घूम के देख रहा था इधर उधर,
कि क्या 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 लेके बैठ गया है, क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी। मैं तो बस यही सोच रहा था, लेकिन इतना इतना कुछ देख के ना मैं कंफ्यूजन में पड़ गया था कि मैं क्या लूँगी और क्या नहीं लूँगी। फिर मैं और एक दुकान पे चला गया, देख रहा था क्या मुझे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। मैं बस यही देख रहा था, लेकिन बहुत दाम भी बोल रहा था और पसंद भी नहीं आ रहा था। मैं मेरे भाई को बोल रहा था कि सीधा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो भाई बोला ठीक है इधर पे देख ले। मैं बोला मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ऊपर से मैं वीडियो बना रहा था तो सब मुझे बस ऐसे ही देख रहा था कि क्यों बना रहा था क्या बना रहा था। लेकिन सबको छोड़ के मैं सीधा आ गया हूँ। भाई बोल रहा था छोटा बच्चा का सामान लेने के लिए भाई को ज़रूरत है, तो भाई को पसंद है। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं लूँगी बोल रहा था। लेकिन भाई बोल रहा था तो एक चीज़ तुझको लेना ही होगा। तो फिर मैं बोला ठीक है ये ले लेती हूँ, इसका नाम क्या है तो मुझे मालूम नहीं, ये छोटा बच्चा लोग का सामान है। तो मैं मेरे भाई को देखा रहा था कि कौन सा वाला लूँगी मैं पहले। एक मुझे अच्छा लगा था तो उसको अच्छा नहीं लगा था, तो ठीक है मैं इसको रख दूँगी। लेकिन रखने के बारे आया तो बाबा कितना दिक्कत है रखने के लिए। तो फिर उसको देखा रहा था कौन सा लूँगी, हरा पीला ऑरेंज स्काई, उसको एक भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं फिर उसको देखा रहा था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा भी आ गया था। मैं पहले जो लिया था वो ही उसको पसंद आ गया है, लेकिन उसको नीचे वाला पसंद आया था। तो मैं बोला नीचे वाला देख थोड़ा सा खाली है, और ऊपर वाला जो मैंने लिया वो पूरा पूरा भरा है, तो ये ले ले तू। तो उसको लेके मैं बोल रहा था तू ये भी ले ले, तो उसको छोटा बच्चा का सामान चाहिए ना। तो वो सब कुछ छोड़ के मैं सीधा आ गई हूँ और एक जगह पे, इधर पे आके मैं क्या लूँगी बस ये सोच रहा था। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं पहले बिंदी देख रहा था, लेकिन मुझे बिंदी या फिर ककड़ा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मालूम नहीं, मैं जिधर पे जाती हूँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बस घूम घूम के मैं यही देखूँगी। लेकिन सामान अगर लेने का बारे है तो मुझे, मैं पूरा कंफ्यूजन में पड़ जाती हूँ मैं क्या लूँगी कि क्या नहीं लूँगी। मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता है, क्यों मालूम नहीं मुझे क्या हो गया है। अगर मेरे साथ अगर कोई होता तो अच्छा होता, वो भी लेता मैं उसके साथ साथ मैं भी ले लेती। लेकिन बहुत दाम भी बोल रहा था, जो इतना रेट नहीं है फिर भी बोल रहा था। मैं खुल के थोड़ा लगाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं बाबा। तो इधर उधर बस ए वाला इयररिंग देख रहा था, इयररिंग पसंद आ जाएगा तो। लेकिन मुझे इधर का कुछ भी पसंद नहीं आया है। फिर मैं इधर पे आके ये देख रहा था, क्योंकि ये मेरे माँ को ज़रूरत है, तो मैं इसका दाम भी पूछ रहा था। मुझे भी ये अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो दाम बोला ना ये लेने का लायक नहीं है। इसको बोल रहा था कि 100 रुपये है, लेकिन ये इसको देख के नहीं लग रहा था कि ये 100 रुपये है। तो मैं बोला मैं पहले नहीं लूँगी, फिर भाई बोल रहा था कि ले 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 ले। फिर मैं बोला मैं 50 रुपये में देगा कि नहीं देगा, फिर बोला ठीक है ले लो। मैं बस एक ही दाम बोला, वो दे दिया। तो मैं तुरंत उसको ले लिया, लेके देख रहा था, पहले देख रहा था कौन सा वाला लूँगी। लेकिन इधर पे तो बहुत सारा है, तो उधर से एक अच्छा वाला ले रहा था। तो मैं दुकानदार को जो है उसको बोल रहा था कि थोड़ा रुको भाई रुको, मैं पहले देखती हूँ मैं कौन सा वाला लूँगी। तो फिर दुकान वाला भी रुक गया, फिर मैं उसको ये दे दिया कि मुझे ये अच्छा लगा। फिर मुझे दुकानदार ये भी दे दिया और मैं इसको ले लिया लेके। लेकिन मैं गाइस एक चीज़ करने वाला था, मैं उसको पैसा ना देके मैं आने वाला था, लेकिन भाई बोला कि तूने तो पैसा ही नहीं दिया। तो मैं फिर जाके पैसा देके आया, और पैसा देके मेरे भाई को ये बेडशीट चाहिए था, भाई को अच्छा लग रहा था। तो मैं बोला तो ठीक है तू ले ले, तुझको कौन सा वाला अच्छा लगा। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको ये बोला। लेकिन उसको और एक अच्छा लग रहा था, तो मैं बोला तू लेगी तो ले ले, तुझको जो मर्जी वो ले ले। तो भाई बोला वो उसको और एक चाहिए, वो एक बोल रहा था और वो और एक दिखा रहा था। फिर उसको ये पसंद आया,
फिर इसको देखा रहा था खुल के, लेकिन ये छोटा भी लग रहा था, इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा छोटा बोल के उसको तो ये पसंद आ गया। वो ये लेने वाला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो देखो वो उधर पे छीरा है, उधर पे फटा है, तो इसके वजह से उसको हम लोग नहीं लिया। तो मैंने बोला था उसको अगर कम पे देगा कि नहीं देगा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया कि नहीं देगा, इसको 100 रुपये में ही बेचेगा। तो मैं बोला ठीक है, ये तुम्हारा फटा हुआ सामान तुम्हारे पास ही रख दो, हम लोग और दूसरा चीज ले लेती हूँ। फिर जाके मैंने क्या किया, मैं जो पहले पसंद किया था वो ही ले लिया। और फिर मैं आ गई हूँ इयर रिंग के पास, लेकिन मुझे फिर भी ये इयर रिंग मंगलसूत्र ये कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मालूम नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर देखो मेरे भाई को फिर से बच्चों वाला खिलौना पसंद आ गया, तो मैंने उसको बोला तू क्या छोटा बच्चा है या फिर तेरा छोटा बच्चा है, तो फिर वो सीधा चला गया। और देखो मैं फिर से आ गई हूँ, तो मुझे मेरा भाई बोल रहा था वो एक स्माइल लेके आया है, इससे मौसी को और एक भाई है उसको मारेगा, वो ऐसा बोल रहा था। तो मैं इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब मैं मेरे लिए कुछ सामान ले रहा था, मैं मेरे लिए बिंदी लिया था और केकड़ा और क्या क्या कुछ सामान ले रहा था, मंगलसूत्र भी लिया है। मुझे वो देख के बहुत ही अच्छा लगा था और बहुत ही कम दाम में मिल गया है स्पेशली। और मैं मेरे लिए एक आईलाइनर देख रहा था, ये मेरे पास है, फिर मुझे मुझे चाहिए, लेकिन दाम ज़्यादा ही बोल रहा था, तो मुझे नहीं होगा मैं नहीं लूँगी, मैं ऐसा बोल दिया। तो फिर मैं और एक दुकान पे आ गई हूँ, तो उधर पे आके क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी, तो लेते लेते मैं एक गला का हार ले लिया। और देखो एक कुत्ता को भी पिटू बना लिया है, मेरा भाई पूरा पागल हो गया। और मैं मेरे लिए नेल पॉलिश देख रहा था, कौन सा वाला लूँगी क्या लूँगी, मैं बहुत कुछ देख रहा था, लेकिन मैं देखते देखते मैं पूरा 500 का शॉपिंग कर लिया है। मैं बोल रहा था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये नहीं लग रहा था, वो नहीं लग रहा था, लेकिन नहीं लगते लगते बाबा मैं तो 500 का शॉपिंग कर लिया, मैं बहुत सारा शॉपिंग कर लिया। मैं सोच के फिर मैं सीधा और इधर उधर बस नहीं देख रहा था, सीधा चला जाऊंगी, बस यही बोल रहा था मेरे भाई को। मेरे भाई को बोल रहा था कि भाई 500 का शॉपिंग कर लिया है और नहीं चाहिए, भाई बहुत बहुत ज़्यादा कर लिया हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही था, तो मिलती हूँ गाइस अगले वीडियो में। तो मैं इधर पे आके बहुत बहुत इन्जॉय किया हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों मिलके।